हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 1 से मैंने स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर 1 के सभी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं और ये चैप्टर 2 का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये ऐसी वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और उन सभी बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे जिनकी मैथमेटिक्स लग रही है कि उनका तैयार नहीं है। उन बच्चे लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कस करता हूँ जिस पैटर्न पर एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप सबकी तैयारी अच्छी नहीं है, यदि आप 2 महीने के अंदर अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप वीडियो को देखते जाइए। 2 महीने के अंदर गारंटी है कि आपका तैयारी इतना अच्छा हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा कर भी पाओगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि ऐसे क्वेश्चनों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उसी पैटर्न पर पूछे जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर बदल जाएगा, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। तो यही तो आपको चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए, आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करती है जिस पर एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, एक बात और मैं बता दूं कि जिन बच्चों को पुराने वीडियोस में मैंने जो क्वेश्चंस दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए, अगर उनके आंसर नहीं आ रहे होंगे तो आप कमेंट करेंगे, उनके आंसर्स आपको बता दिए जाएंगे, है ना। देखिए, अब आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - 10x + k आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब कि k की वैल्यू बतानी है इस पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करके कुछ इस तरीके से कि इसके जो भी जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मतलब कि अगर एक हमारे पास पॉलिनोमियल जीरोस जो है वो अल्फा है, तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा। आई बात समझ में? तो इस तरह से तो हम कह देंगे कि लेट द रूट्स बी, है ना, ए एंड 1/a, लेट द रूट्स बी, है ना, ए एंड 1/a। तो फिर हमें क्या कहा जा रहा है? तो एक बात बताइए कि अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर दें, तो हम लोग क्या जानते हैं कि यदि हम प्रोडक्ट करते हैं तो c बाई ए आता है। हम लोग पढ़े हैं ना, वी नो दैट है ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और देखिए, ए कहाँ, के कहाँ है, के की जो वैल्यू निकालनी है वो सी पर ही तो है, तो इसीलिए हम लोग सी वाले वैल्यू पर फोकस करेंगे। तो सी बाई ए आ जाएगा, यानी के आ जाएगा, सॉल्व कर निकालेंगे। अब अल्फा की वैल्यू ए है और बीटा की वैल्यू 1/अल्फा ए है, तो रख देते हैं, तो सॉल्व कर लीजिए। देयरफोर है ना, ए इंटू 1/a इज इक्वल टू सी बाई ए। अब c की वैल्यू क्या हमारे पास है, तो देखिए c की वैल्यू, अब कन्फ्यूज मत होइएगा, ये a और a 1/a क्या है, कुछ नहीं, जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज हैं बस उन्हीं को a 1/a को मान लिया है, बस और कुछ नहीं, है ना। तो ये देखो, अल्फा की जगह पर 1/a रख दिया, इंटू बीटा की जगह पर 1/b रख दिया। c की वैल्यू क्या है, तो भैया हम जानते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं इनका जनरल नोटेशन हमारे पास होता है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे a है, x के आगे हमारे पास b है और ये कॉन्स्टेंट टर्म k है, यानी c है। तो हम c की वैल्यू क्या हम रखेंगे, k रखेंगे, तो ये हो जाएगा k/a। a की वैल्यू क्या है, 3। अब जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, ये 1/a, a इंटू 1/a, a से कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 3 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k, यानी k की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 3। बस लिख के चले आना है, देयरफोर द वैल्यू ऑफ k इज 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोस आर 5 - √2 and 5 + √2। कितना आसान है, देखिए तो ये घबराना नहीं है, ट्राई करना है, सोचने का, समझने का प्रयास करना है, आप अच्छा कर जाओगे, है ना। तो कहा जा रहा है क्या कि देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बस इस रूट के जगह पे कुछ और रख करके आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको समझिए और सीखने का प्रयास करिए, है ना। देखिए, करा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है तो सबसे पहले अपने सॉल्यूशन में हमको क्या निकालना होता है, सम ऑफ रूट्स। देयरफॉर सम ऑफ रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। तो रखिए, अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू 5 - √2 प्लस बीटा की वैल्यू 5 + √2।
अब देखिए जब ऐड करेंगे तो ये माइनस में 3√2 है और ये प्लस में, तो ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट कैंसिल हो जाएगी। 5 + 5 कितना आ जाएगा 10, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। आगे बात समझ में। अब ऐसे ही आप प्रोडक्ट निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। तो हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 - 3√2 है ना, इंटू 5 + 3√2। अब ये बताइए इसका सॉल्व, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस कंडीशन में ये लिखा a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² आप पढ़े होंगे कि a² - b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी, चाहे a माइनस बी पहले आ जाए a प्लस बी बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वही चीज़ लिखा है, तो इसका लिख देंगे, ये 5 को a मानेंगे और 3√2 को b मानेंगे, तो ये लिखा a माइनस बी a प्लस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा a² - b² ठीक है ना। देखिए कितना आसान है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस ये स्क्वायर 3 पर जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये स्क्वायर 2 पे जाएगा तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो सिंपली यहाँ 2 मल्टीप्लाइड में रह जाएगा। देखिए ये स्क्वायर 2 पर जाता है ना, रूट 2 पर, तो स्क्वायर और रूट कट जाता है ना, ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर इस पर चला जाएगा तब, ठीक है। तो ये बन जाएगा है ना, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का क्या हो जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 2 जा 18, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 25 - 9 = 18, दैट इज 7 है ना, 7 आ गया। तो ये हमारे पास निकल के आ गया 7। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई। तो अभी क्या करना है सुनिएगा, बहुत आसान पार्ट है, मैं समझाता हूँ, बस आप प्रयास करें है ना, हर एक चीज़ आप समझ जाएंगे। देखिए अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते कैसे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका हमने बताया था कि x² - αβ (x - αβ) = 0, वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा x² - α + β की वैल्यू क्या आई है, 10 आई है, तो यहाँ रख दिया मैंने 10 है ना x, ठीक है 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आया 7, यहाँ रख दिया 7 = 0, यानी जो रिक्वायर्ड हमारे पास पॉलीनोमियल है बच्चा लोग, वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल इज x² - 10x + 7 = 0। आगे बात समझ में। तो ऐसे ही करना है, आपको भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा है ना, 2-3 में क्वेश्चन आपको दूंगा, आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है ना, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द पॉलीनोमियल x² - 5x + 4 सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। क्या नंबर हम ऐड करें इस पॉलीनोमियल में ताकि 3 इसका 0 बन जाए, 0 बन जाए मतलब कि मतलब x के जगह पर अगर यहाँ 3 रख दें तो ये पूरा 0 के बराबर हो जाए। आगे बात समझ में, हमसे ये कहा जा रहा है कि इस पॉलीनोमियल में क्या जोड़ दें ताकि इसमें 3 रखने पर ये पूरा 0 हो जाए, मतलब इसका 0 निकल जाए, वो ये 3 0 हो जाए। तो देखिए इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि हम मान लेंगे कि लेट k बी एडेड टू द इक्वेशन सॉल्यूशन में, लेट k बी एडेड टू द पॉलीनोमियल है ना, मान लेते हैं कि k जो है वो ऐड किया जाए, लेट k बी एडेड टू द पॉलीनोमियल, देन क्या हो जाएगा x² - 5x + 4, और मान लेते हैं कि इसमें क्या जोड़ देंगे हम, k जोड़ देंगे, तो इस कंडीशन में ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तब जब 3 की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो आइए रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। नाउ पुटिंग द वैल्यू, यदि आप नहीं लिख पाते तो घबराने जरूरत नहीं है ना, लिख देंगे पुटिंग 3 बस इन द अबव इक्वेशन। नाउ पुटिंग द वैल्यू 3 इन अबव इक्वेशन, तो अबव इक्वेशन में अगर 3 रख दे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3² - 5 × 3 प्लस 4 + k, k के जगह पे नहीं रखना है, हमने कहा 3 के जगह पे रखना है ना, क्योंकि x इसका पॉलीनोमियल हमारे पास, इसलिए तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 - 5 = 15 है ना, प्लस
फोर प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो, नाइन प्लस फोर थर्टीन माइनस फिफ्टीन प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो, थर्टीन माइनस फिफ्टीन माइनस टू प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो, के इज इक्वल टू टू, के की वैल्यू क्या आ गई टू, यानी जो नंबर इसमें ऐड करना था इस पॉलिनोमियल में ताकि इसका तीन इसका रूट हो जाए या जीरोस हो जाए तो वो नंबर क्या होना चाहिए टू होना चाहिए। आगे बात समझ में, तो ये आसान है कि नहीं? आपको ऐसा ही क्वेश्चन बस सीखना है, आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना है क्योंकि ऐसे ही पैटर्न पर हर बार क्वेश्चन आया है। यदि आप टेन ईयर निकाल के देख लोगे ना तो हर बार ऐसा ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। अरे बस समझ, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है? एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास बच्चा लो कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक, ठीक है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर माइनस वन एंड माइनस ट्वेंटी। देखिए आप वीडियो को पॉज करके ट्राई किया करें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब नहीं आएगा तो आप मेरे इस सॉल्यूशन को देख करके ट्राई करिएगा समझने के लिए कि किस तरह से हो रहा है, और फिर आप जब यदि आपको आ रहा हो तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं आ रहा हो तो इसी बहाने आप सीख भी लोगे, है ना? देखो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज रूट जीरोस आर माइनस वन एंड ट्वेंटी, यानी सम क्या है माइनस वन के बराबर और प्रोडक्ट क्या है माइनस ट्वेंटी के बराबर, तो बताना है कि ऑल्सो तो उसका वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बताना है। तो हमने आपको सॉल्यूशन बताया है बच्चा लोग कि वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल इज गिवन बाई ए एक्स, सॉरी इसको ए नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये निकालने का फॉर्मूला होता है, अभी इधर मैंने समझाया। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख दे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए वैल्यू रखिए क्या क्या दिया है, सम दिया हुआ है तो सम मतलब यही अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या दिया है सम ऑफ रूट्स पहला माइनस वन दिया है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है माइनस ट्वेंटी, माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो, तो रखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स वन इंटू एक्स एक्स प्लस प्लस इंटू माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर अब इसको सॉल्व करना है ना, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आया तो क्या देंगे द रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल इज है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो, यही वो रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल है। और क्वेश्चन में और बात कहा है कि ऑल्सो फाइंड है ना, क्वेश्चन में क्या कहा है कि ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, ये जो पॉलीनोमियल है इसका जीरोस बताइए, जीरोस का मतलब इसको सॉल्व करके एक्स की दो जो वैल्यूज आती हैं उन्हें को हमें बताना है। तो आइए बच्चा लोग देखते हैं कैसे करेंगे है ना सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो। सॉल्व करने का पहला स्टेप कि यहाँ पर ए होता है ए इंटू सी को मल्टीप्लाई करिए माइनस ट्वेंटी आएगा, माइनस ट्वेंटी को ब्रेक करिए, देखिए माइनस ट्वेंटी यानी ट्वेंटी को बस ब्रेक करिए आपको पता चल जाएगा, दो बार में दस, दो बार में पाँच, पाँच बार में एक, दो दुनी के चार और ये ले लीजिए पाँच, पाँच में से अगर चार जाएगा तो एक बच जाएगा, इसके यहाँ पे एक चाहिए भी देखिए यहाँ कुछ नहीं तो वन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स माइनस चार एक्स माइनस बीस बराबर जीरो। देखिए हमको यहाँ पे एक नंबर ऐसा लेना होता है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो इसके बराबर आ जाए यहाँ पर जो वैल्यू दिख रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर आ जाए, तो पाँच गुणे चार करिएगा तो माइनस बीस आ जाएगा, और पाँच में से चार एक्स जाएगा तो एक एक्स आ जाएगा, तो ये इस तरह से तोड़ा जाता है ना। अब देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो आप कमेंट करिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, उसका इजी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम लोग इसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे, इस वाले पार्ट से कुछ कॉमन निकालेंगे और इस वाले पार्ट से, तो अब यहाँ से यदि हम x कॉमन निकाल लें तो x प्लस फाइव बचेगा, और यहाँ से माइनस फोर दोनों में से, बीस को क्या लिख सकते हैं माइनस चार गुणे, देखो बीस को लिख सकते हैं ना माइनस चार गुणे पाँच, तो इसमें से माइनस चार बाहर और यहाँ से माइनस चार बाहर कर दिए तो क्या बच जाएगा यहाँ एक्स बचेगा, और बीस को हमने लिखा माइनस चार गुणे पाँच तो उसमें से माइनस चार बाहर चला गया तो क्या बचेगा प्लस पाँच और
बच जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, माइनस चार गुड़े एक्स माइनस चार एक्स माइनस चार गुड़े प्लस पाँच माइनस बीस भी आ जाएगा, तो ऐसे कॉमन निकाला जाता है ना। अब देखिए ये एक्स प्लस फाइव दोनों में है, तो एक्स प्लस फाइव एक जगह लिख देता हूँ और ये एक्स माइनस फोर बाकी जगह, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पर इसको एक बार जीरो कर देना, एक बार इसको जीरो, तो एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव हो जाएगा और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस फोर। तो देखिए दोनों रूट्स इसके आ गए, ये पहला रूट है और ये दूसरा रूट, बस लिख देंगे द रिक्वायर रूट्स या द रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल्स आर माइनस फाइव एंड x, हो गया आंसर। आसान है कि नहीं, तो ये चीज़ बहुत आसान है, आप प्लीज़ घबराएं नहीं, है ना, लगे रहे हमारे साथ, आपको जरूर ये चीज़ समझ में आएगा और आप अच्छा करके दिखाएंगे भी, ठीक है ना। देखिए अब इस क्वेश्चन को समझिए जरा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फिर वीडियो को पॉज करिए, आप अपने मन से ट्राई करिए, नहीं आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए कहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। इस पॉलीनोमियल के अभी जो आपने मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन बताया है, तो ये आपके लिए ना होमवर्क रहेगा, ये आपको ट्राई करना है और करके दिखाना है, क्योंकि अभी जैसे मैंने इधर आपको एक क्वेश्चन बताया ना कि जो रेसिप्रोकल वाला था, हाँ यहाँ पर ये वाला पहला वाला जो पार्ट हमने बताया था, ऐसा ही ये भी क्वेश्चन है बच्चा, ऐसा ही ये भी क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो है ना आप कमेंट में लिख देना कि नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव, मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में समझा दूंगा। देखिए अब आइए ये क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इन ब्रैकेट के प्लस सिक्स एक्स प्लस टू इन ब्रैकेट टू के माइनस वन हैज द सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। कितना आसान है, देखिए कहा जा रहा है कि एक्स के की वैल्यू बताइए जिसके लिए इस पॉलीनोमियल के जो रूट्स होंगे उनका सम करिएगा तो वो इक्वल होंगे प्रोडक्ट वाले पॉलीनोमियल, प्रोडक्ट यानी रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा उसके आधा, यानी जो भी रूट्स होंगे ना इसके, जैसे अल्फा इंटू बीटा, उसका आधा करिएगा ना तो उसके सम के बराबर हो जाएगा। मतलब जो गिवेन है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं लिखूँ सोल्यूशन में, तो हम ये दिया गया हमारे पास कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू वन बाई टू टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आगे बात समझ में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। अब देखिए ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करिएगा, है ना। ये कहा है कि सम ऑफ रूट्स, हमारे पास हमको इसको निकालना है, तो सम ऑफ रूट कैसे निकलता है, तो ये निकलता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए क्या होता है, तो हम क्या जानते हैं कि स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को यदि आप ध्यान से देखिएगा तो एक्स स्क्वायर के जो बगल में लिखा है वही ए है, और यहाँ एक्स के बगल में जो लिखा है वो बी है, और यहाँ अकेले जो लिखा है वो सी है। तो बच्चा लोग अगर उसी तरह से इसमें भी देखे हम, है ना, अगर इसी तरह से आप देखो तो इस एक्स स्क्वायर के आगे जो भी लिखा है वो वन है, तो कुछ नहीं लिखा है तो वन मानेंगे, या वन लिखा है, और इस एक्स के बगल में क्या लिखा है, माइनस इन ब्रैकेट के प्लस सिक्स, वो बी की वैल्यू है, और सी की वैल्यू क्या है, ये पूरा जो दिख रहा है ना वो सी की वैल्यू है। तो आपको यहाँ पर रखना है बी और ए की वैल्यू रखना है, तो मैंने आपको बताया बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए तो बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस इन ब्रैकेट के प्लस सिक्स, तो ये हो जाएगा माइनस इसका फॉर्मूले का और इसका माइनस यहाँ से, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा k प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई a, a की वैल्यू कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है वन है, तो इस कंडीशन में हमारे पास मिल जाएगा k प्लस सिक्स, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई k प्लस सिक्स। ऐसे ही आप अल्फा इंटू बीटा निकालिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या मिल जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा मिलता है ना c बाई a, तो c की वैल्यू क्या यहाँ पर है, c की वैल्यू ये है, क्या है, टू इन ब्रैकेट 2k माइनस वन अपॉन a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो 1 दिया है, तो 1 के 1 यहाँ पर लिख देंगे नीचे 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा तो आपको मिल जाएगा ये 1 से डिवाइड होगा तो उतना ही रह जाएगा 2 इन ब्रैकेट 2k प्लस 1 ही मिल जाएगा, ठीक है ना। अब सुनिए ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई, इन दोनों की वैल्यू उठा करके यहाँ सम ऑफ रूट और इसकी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट में रख देते हैं, देयरफोर है ना, देयरफोर सम ऑफ रूट जो दिया उसके जब रख दो, देयरफोर पुटिंग द वैल्यू इन द अबव इक्वेशन, ये क्या इसको इक्वेशन मान सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, इसको हम इक्वेशन वन मान सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे देयरफोर पुटिंग द
putting the value of alpha plus beta and alpha into beta in equation first, we get, हमें क्या मिल जाएगा अजी, हमको क्या मिल जाएगा, देखिए बच्चा समझाता हूँ आपको क्या मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रख देना है क्योंकि सम कहा है, तो सम का मतलब हो गया हमारे पास k प्लस सिक्स, तो इस पहले जगह पे हो गया k प्लस सिक्स इज इक्वल टू, क्योंकि इज इक्वल टू वन बाई टू इन ब्रैकेट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आया है टू इन ब्रैकेट टू के प्लस वन। अभी टू अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये टू और ये टू कट जाएगा, है ना, अब बाकी सब बच जाएगा, तो क्या बच जाएगा k प्लस सिक्स इज इक्वल टू ये बच जाएगा टू के प्लस वन, है ना, k को इधर भेज दिए और वन को इधर, तो सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू के माइनस k, ये k जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइव इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या आ गई फाइव। तो इस तरह से आपको k की वैल्यू निकालनी है, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से k की वैल्यू निकली है, है ना, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर, कि ये माइनस था, मैंने यहाँ गलती से प्लस लगा दिया, तो इसको अगर मैं माइनस कर दूँ यहाँ पर, ठीक है ना, मैंने यहाँ एक ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा यहाँ गलती कर दिया था कि माइनस है तो यहाँ माइनस रखना चाहिए था, प्लस हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या लिखूंगा माइनस, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम लोग माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये माइनस वन इधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास फाइव नहीं सेवन आ जाएगी, सिक्स प्लस वन सेवन, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी सेवन। तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान देना बस यहाँ पर, मैंने गलती कर दिया था, बाकी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, और ऐसे ही क्वेश्चंस यदि आपको चाहिए, यदि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहूँगा जो आप सबके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है, है ना, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और ये आप इतना सीख जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न यही आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके यही होते हैं ना, मैं बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ, तो यदि आप ये चीज़ सीख रहे हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, है ना। चलिए तो फ्रेंड्स मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग तीन या चार मार्क्स के और क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है, ये भी तीन मार्क्स के ही क्वेश्चन थे, लेकिन तीन और चार मार्क्स के और भी क्वेश्चंस हम लोग आगे वाले वीडियो में करेंगे, जो लास्ट पार्ट होने वाला है इसका, ओके।